वालेकुम ब्यूटीफुल लेडी को देखने वाले पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही अलग होने जा रहा है। वीडियो पॉसिबल है कि थोड़ी छोटी होगी, लेकिन आपने वीडियो को टिल एंड देखना है। आज जो है मैं बनाऊंगी पराठे, स्क्वायर पराठे भी और गोल पराठे भी। वीडियो जो है वो कोशिश करती हूँ कि पूरी आपके साथ शेयर हो सके। आपको बताऊं कि मैंने आज नाश्ता घर में बनाया, बहुत ज़्यादा अरसे के बाद। तो मैंने बनाने हैं अभी पराठे और साथ में रात का सालन गर्म करूँगी, साथ में अंडा वगैरह बनाऊँगी और साथ में एज़ यूजुअल चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किचन में मैं पहले ही आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो है कुकिंग को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके साथ बाद जो है वो सर्व करके आपको दिखाते हैं कि पराठे कैसे बने हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको गोल पराठे पसंद आए या चकोर पराठे पसंद आए। मेरी उर्दू कितनी गाढ़ी होती जा रही है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाती हूँ नाश्ता और आप देखें मैं नाश्ता कैसे बनाती हूँ। आलू की भुजिया आपको नहीं पता चल सकेगा कैसे बनी है, क्योंकि ये रात की बनी हुई है। तो बाकी नाश्ता जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाय भी आज आपको बताती हूँ कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो चुके हैं। इधर मैंने गोल भी बना लिए थे और चकोर भी, यानी कि मैंने राउंड शेप में भी बना लिए थे और स्क्वायर में भी। लेकिन इधर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे से जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मुझे पता नहीं चला, और वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई थी अभी जब मैंने उसकी डो बनाई है, और उसके अलावा जब मैंने जो है वो पराठे वगैरह बेले हैं। तो फिर मैंने एक दिल में तहैया किया हुआ था कि मैं वीडियो जो है आज अपलोड ज़रूर करूँगी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ और मैं भी अच्छे से पराठे बना सकती हूँ। देखिए कितने प्यारे मैंने पराठे बनाए हैं। इधर साथ ही मैंने कर लिया था अंडा फ्राई, और लकीली हुआ ये कि मेरे अंडे की जर्दी नहीं टूटी। तो मोस्टली ये होता है कि जब भी आप किसी को दिखाने लगते हो तो आपकी अंडे की जर्दी टूट जाती है। इधर आलू की भुजिया थी और साथ में ये अंडा फ्राई, और इसको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका भी दिल करे ब्रेकफास्ट को। तो ये रात का सालन था, इसमें साथ ही मैंने चाय रख दी उसको गर्म करके। इसमें मैंने पत्ती डाली, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया था। हम लोग ना ज़रा स्ट्रॉन्ग सी चाय पीते हैं, तो जैसे ही ये सही से बॉयल हुई तो साथ ही मैंने दूध डाल दिया। और ये फिर से पराठे, और ये सर्विंग हो गई। अब दो कप्स में मैंने चाय डाल दी क्योंकि हम लोगों ने दो बंदों ने नाश्ता करना था, साथ ही आलू की भुजिया साथ ही अंडे। वाओ अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त आज का नाश्ता था, घर का साफ़ सुथरा, और काफ़ी अरसे के बाद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मुझे, मैं खुद को टिपिकल सी लगी। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। चार पराठे बनाए थे, एक पराठा जो है वो बच चुका है और थोड़ी सी आलू की भुजिया भी बच गई है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं बचा। और ये देखें फ्रेंड्स, मेरा बाजू भी जल गया क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम के बाद, अब ये मैंने ऊपर पेस्ट लगाई है, अगली एक दो वीडियोस में शायद ये डार्क हो जाएगा ब्राउन कलर का, तो फिर मैं आपको फिर दिखा दूँगी। आज मैंने काफ़ी अरसे के बाद रोटी या पराठा बनाया है, रोटी तो नहीं बनाई, पराठे बनाए हैं। तो वो फिर जैसे नया नया सीखता नहीं है बंदा, तो स्टार्ट में उसके मतलब हाथ जलते हैं, बाजू जलते हैं, लाइक दिस दैट, तो वही मेरे साथ सीन हुआ है। तो ये आपने देख लिया नाश्ता जो है फिनिश हो चुका है, फिनिश हो गया भी कैसी ये अजीब सी ना वो सर्विंग रह जाती है। तो यहाँ पर आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।